जो देश भर में सबसे गुणवत्ता में अच्छे कॉलेज हैं उसके अंतर्गत हमारे कॉलेज को चुना गया है और इसका श्रेय हमारे प्रिंसिपल साहब को जाता है। तो एक बात बोलता हूँ तालियों से। पूरे भारतवर्ष में कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में ऐसा क्लब बनाया गया है और हमें तेलंगाना राज्य के साथ जोड़ा गया है कि दोनों राज्यों के बीच में स्टूडेंट और टीचर एक्सचेंज हो। ये पहला इनिशिएटिव है भारत सरकार का और इसमें हम भरसक के भाग लेंगे। मैं इस क्लब की पहली मीटिंग में प्रिंसिपल साहब का स्वागत करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस क्लब की तरक्की में उनका आशीर्वाद सदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। कौशिक सर, कांग्रेस सर, विनीत सर और मेरे प्यारे मित्र, आज यहाँ हम सभी का इस हॉल में एक्टिव होने का मकसद है EBSB डे का सेलिब्रेशन। EBSB मीन्स एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इस क्लब का जो मेन पर्पस है कि जो मैप में हमारा भारत को सभी राज्यों की सीमाओं को जोड़कर एक कर दिया गया है उसे हम सब भारतवासी अपने मन से स्वीकार करें कि हम सब एक हैं। तो इसलिए इस भारत को अब हमें श्रेष्ठ बनाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के हमारे चेयरपर्सन हमारे कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत मुद्रा जी हैं। इनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सर आप दिए कि इस बाती की तरह है जो खुद जलती है लेकिन दूसरों को प्रकाश देती है। तो आप ही हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमेशा तल्लीन रहते हैं। सर यू आर ए ग्रेट प्रिंसिपल बिकॉज योर एक्शन इंस्पायर अदर्स, ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर। सर तो हमारे चेयरपर्सन हैं साथ में डॉक्टर मनोज शुक्ला सर, इस क्लब के नोडल ऑफिसर हैं, कामरा सर और केएल कौशिक सर मेंबर हैं, मैडम सुप्रिया स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं और मैं क्लब कोऑर्डिनेटर हूँ और एक स्टूडेंट का भी इसमें है स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर वो रितिका। रितिका एक बार खड़े हो जाए। रितिका स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। तेलंगाना की क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, क्या परंपरा है और क्या सोशल इश्यूज हैं, इन सभी की हमें जानकारी हो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज की जाएंगी समय समय पे। उनका कुछ मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ और डिटेल में जो आपकी डेट फिक्स होंगी हम आपको बताएंगे। तो कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी हैं जो हमें अपने कॉलेज लेवल पे करनी है और कुछ एक्टिविटीज जो हमारा पेयर इंस्टीट्यूशन है उसके साथ हमें उनके साथ मिलकर करनी है। तो जो हमारी कॉलेज लेवल की होंगी, एक तो EBSB डे सेलिब्रेशन वो हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा फर्स्ट है जो हम 10 तारीख को मना रहे हैं और हर महीने की 10 तारीख को हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। सेकेंड है डिस्प्ले बोर्ड। अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने उसका इनोग्रेशन किया है डिस्प्ले बोर्ड में कि हम तेलंगाना की क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, क्या फेस्टिवल्स हैं और उनकी न्यूज और सोशल इश्यूज इनसे रिलेटेड सारे पिक्चर जो है हम डेली इसमें चेंज करेंगे। जो हमारी कोऑर्डिनेटर है रितिका, ये जो भी स्टूडेंट देना चाहता है तेलंगाना के बारे में वो रितिका को देंगे, रितिका उसको बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। थर्ड है हमारी एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। ये हमने January 21 को ऑर्गेनाइज करना है और इसका जो टॉपिक होगा वो होगा सोशल इश्यूज ऑफ तेलंगाना। क्विज कॉम्पिटिशन ये 13 February को होगा और इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, फेस्टिवल जो भी तेलंगाना से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे।
और प्लस जो भी तेलंगाना की लैंग्वेज में होगी, वाटर सेविंग, नेशनल इम्यूनिटी उनके टॉपिक होंगे। तो तेलंगाना की लैंग्वेज को सीखने के लिए हम एक अपना इंस्ट्रक्टर भी बुलाएंगे और आपकी क्लासेस भी लगेंगे। और एक्टिविटीज बिटवीन पेयर्ड इंस्टीट्यूशन, पेयर्ड मतलब जो हमारा तेलंगाना का कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अग्रवाल, यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं और आप स्टूडेंट्स हैं, आप उनके ईमेल फ्रेंड्स बनेंगे और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उनमें भी आपका डिस्कशन का टॉपिक वहाँ का पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज, पोएट्री, डांस, ये सब होगा। तो इस प्रकार इस एक्टिविटी से हम तेलंगाना की हिस्ट्री जानकारी लेंगे और जो हमारी सरकार का उद्देश्य है मिटे सीमाएं देश की, बने एक परिवार, फिर देखो क्या होता है एकता के साथ। तो ये हमारा बनेगा एक प्रकार। डॉक्टर रेखा सेठ जी, और जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि हमारा जो पार्टनर स्टेट है वो तेलंगाना है, तो तेलंगाना की ब्रीफ हिस्ट्री आपके सामने प्रस्तुत करेगी स्टूडेंट बॉडी लीडर रितिका। तो रितिका को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जो आपके सामने तेलंगाना की ब्रीफ हिस्ट्री और सोशल इश्यूज आपसे साझा।